हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करेंगे मार्केट की, कि मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक, क्योंकि वीकेंड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें देखने के लिए कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, कितना प्राइस नीचे जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है मार्केट में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं इन दी वीकेंड। इसी के साथ साथ एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन भी आया है रिगार्डिंग वन ऑफ द इंडियन एक्सचेंजेस, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आके आपके कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके ये बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उनसे बच के रहना, वो सारे के सारे स्कैमर्स हैं। किसी भी सोशल मीडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते, एंड किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने। किसी को अगर आपने अपने क्रिप्टो सेंड करे तो ये समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके हाथ से चले गए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कोई भी उनको रिकवर नहीं करवा पाएगा। आज की डेट में जहाँ पे लोग बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसी के साथ साथ काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी हुई है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की। जहाँ पे फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट आने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, वहीं पे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, एंड कहीं ना कहीं एवरीबडी इज़ वेटिंग कि मार्केट में एक बार डंप तो ज़रूर आए। काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनका ये मानना है। कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी कई लोगों से पूछा था कि व्हाट डू यू बिलीव, जो ये मार्केट में पंप आया ये कब तक सरवाइव करेगा, क्या ये एक बुल ट्रैप है। सो मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे भी बोला यस इट सीम्स लाइक अ बुल ट्रैप। क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे जाके, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सामने, उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं CoinGecko ऐप में करंटली मार्केट का हाल देख लेते हैं, एंड उसके बाद एक एक क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं कि क्या हो रहा है टॉप क्रिप्टोज में, क्या न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग दिम, एंड क्या उनका फ्यूचर हो सकता है। तो साइड में आप देख सकते हो करंटली जो ग्लोबल मार्केट है वो डाउन है 0.4%। यहाँ पे BTC हल्का सा ऊपर, ईद भी हल्का सा ऊपर, एंड ये ऊपर नीचे आज सुबह से चल रहा है। आज के डेट में ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो दिन सैटरडे एंड संडे कैसे निकलते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। आज के डेट में अगर हम बात करें ईद की, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि ईद मर्ज जो सामने आएगा, एंड काफ़ी लोग उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए कि ईथ मर्ज के बाद प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही हुआ दैट इज़ व्हाट आई ऑल्सो बिलीव। वो मेरी खुद की अजम्पशन भी है, वो मेरी खुद की स्पेकुलेशन भी है, बट कब आएगा वो, क्या वो थर्ड टेस्टनेट जो है होने वाला जो है वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता, इन दिस एंटायर सिनारी पूरी सिनारियो जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, वहीं पे अगर ईथ मर्ज जो है वो इतना बड़ा इवेंट जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में आज की डेट में, जहाँ पे ईथ जो है पूरी क्रिप्टो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ईथ मर्ज जब लॉन्च होगा तो उसके बाद क्या होगा, दैट इज द बिग क्वेश्चन जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के माइंड में है। अगर सब कुछ सही होता है, सब कुछ एकदम प्लान जाता है, सब कुछ ऑन टाइम होता है, तो यस वी कैन सी अ प्राइस हाइक इन इथेरियम, एंड दैट इज व्हाट माय कॉलेज। आप लोग अपनी रिसर्च कर लेना बिफोर बाइंग एनी क्रिप्टोस। उसके बाद अगर हम बात करें कार्डानो एडीए की, कार्डानो एडीए का हम सबको पता है वासिल हार्ट फोक आने वाला था, एंड कहीं ना कहीं कार्डानो एडीए का जो प्राइस जंप हो रहा था, जो रैंकिंग में जंप हो रहा था, वो हो रहा था बिकॉज ऑफ दी वासिल हार्ट फोक। बट अभी अभी एक न्यूज आई है, यहाँ पे आप साइड में पढ़ सकते हो, कार्डानोज वासिल हार्ट फोक इज डिलेड, एंड इस चीज का डर हमें था। हम लोग आपसे बोल रहे थे कि हो सकता है वासिल हार्ट फोक डिलेड हो बिकॉज कोई एक डेट निकल के पर्टिकुलरली सामने नहीं आ रही थी। किसी भी क्रिप्टो में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक डेट सामने है तो कहीं ना कहीं हम भी थोड़े यू नो कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस इट इज ऑन ट्रैक, इट इज हैपनिंग, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कार्डानो का वासिल हार्ट फोक पहले इट वॉज शेड्यूल्ड इन जून, देन उसको डिले करा इन जुलाई, एंड जुलाई के बाद अभी भी बोला जा रहा है कि वो नेक्स्ट एक दो हफ्ते या तीन हफ्ते बाद वो रिलीज होगा। कोई स्पेसिफिक डेट अभी तक सामने नहीं आई है, एंड दैट इज प्रॉब्ली वाई द रैंक्स ऑफ कार्डानो एडीए जो है वो वापस से नीचे आ रहा है। कार्डानो एडीए के लिए आज के डेट में वासिल हार्ट फोक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज के डेट में आप यहाँ पर साइड में फिर से पढ़ सकते हो, वंस अगेन देयर इज अ डिले इन कार्डानो मच एंटिसिपेटेड वासिल हार्ट फोक। ड्यूरिंग द इवेंट वहां पर बताया गया था कि इसमें जो है थोड़े और हफ्ते लग सकते हैं वासिल हार्ट फोक का सामने आने में, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था ये नेसेसरी भी है टू कंडक्ट फर्दर टेस्टिंग एंड इंश्योर स्मूथ प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो टेस्टिंग नहीं करी थी, अगर आप लोगों ने वो प्रोसेस पहले से नहीं जान लिया था तो वो आपने पहले से जानना था, बिकॉज यू नो कि क्रिप्टो आज की डेट में कितने क्लोजली मॉनिटर होता है। किसी भी क्रिप्टो में कोई भी एक नेगेटिव न्यूज एंड वो क्रिप्टो एकदम से नीचे आता, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। बट यस, उसी के साथ साथ कार्डानो से ये एक्सपेक्टेड एटलीस्ट मुझे नहीं था। जहाँ पे हम यस फॉलो करते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन को, जहाँ पे हम जानते हैं कि वो कितना बढ़िया काम करते हैं, उसी के साथ साथ हमें ये भी भरोसा था कि चार्ल्स हॉस्किंसन ने चलो जून के बाद जुलाई बोला, बट अब जुलाई में वो रिलीज होने वाला है, एंड उसकी एंटिसिपेशन में काफ़ी बाइंग भी हुई है कार्डानो की। बट नाउ जब ये बोला गया है कि कुछ हफ्तों से उसको डिले कर दिया गया है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अब जाके कहीं ये अगस्त के आगे ना चला जाए, क्योंकि कितने वीक्स है वो कोई स्पेसिफाई नहीं करा है। यहाँ पे ये बोला गया फ्यू मोर वीक्स,
कोई स्पेसिफिक डेट अभी भी सामने नहीं आई है वासिल हार्टफोक की, बट उसी के साथ साथ कार्डानो की ये न्यूज भी सामने आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कार्डानो प्राइस इज सर्जिंग पोटेंशियली अ ह्यूज एडीए ब्रेकआउट सेटिंग अप ऑन एडीए। यहाँ पे कहीं ना कहीं यस वासिल हार्टफोक से जितनी उम्मीदें हैं लोगों को, लोग अगेन उसको परचेजेस करेंगे। कोई अगर डेट सामने आती है तो दैट वुड बी वेरी नाइस फॉर ऑल दी इन्वेस्टर्स। कहीं ना कहीं लोगों को ठीक है आप डिले कर रहे हो, डिले चीजें हो रही है, बट कार्डानो एज अ होल इज अ गुड क्रिप्टो। वहां पे जो काम हो रहा है, जो चीजें हो रही है वो बहुत अप्रिशिएटेड है। बट यस, जो भी आप चीजें अनाउंस करते हो, एटलीस्ट वो अनाउंस करने से पहले दो बार आप प्रायर चेक कर सकते हो। इथीरियम फॉर एग्जाम्पल, इथीरियम ने ईथ मर्ज के बारे में जहाँ पे बात करी थी वहां पे अभी भी उनकी डेट्स बहुत स्पेसिफिक है। सेप्टेम्बर की उन्होंने डेट्स दे रखी है, दे आर वेरी स्पेसिफिक कि इस पर्टिकुलर डेट तक हम लोग रिलीज कर देंगे। बात करते करते द मार्केट इज अगेन डाउन। ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि कमिंग वीक में कहीं ना कहीं हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में। एंड आई होप आई एम रॉन्ग, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि हम गलत हों। आज एंड कल में बहुत कुछ डिपेंड करता है, आज की बस शुरुआत हुई है, कल तक एक्चुअल क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि क्या होगा आगे का। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैटिक की, मैटिक की एक बहुत अमेजिंग न्यूज निकल के सामने आई थी। करेंटली प्राइस एट 74.69 रुपीज़ मैटिक का ये बताया जा रहा है कि उनका एक और कोलैबोरेशन हुआ है, एंड कोलैबोरेशन हुआ है विद ऑटो जायंट। कौन सा ऑटो जायंट, क्या न्यूज है, वो आर्टिकल आपको साइड में दिखाते हैं। तो साइड में आप वो न्यूज पढ़ सकते हो। मर्सिडीज बेंज टैप्स पॉलीगॉन मैटिक टू लॉन्च डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म। एंड यस, पॉलीगॉन मैटिक का 2002 रिमेनिंग ऑफ द ईयर जो है उसमें यही इनका टारगेट है टू कैच ऑन टू कंपनीज एंड वहां पे जाके अपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया। एंड काफी लोग हैं जिनको वो लाना चाहते हैं अपने ब्लॉकचेन में, काफी डैप्स हैं जिनको ये लाना चाहते हैं अपने ब्लॉकचेन में। अगर हम फ्यूचर देखें ऑफ पॉलीगॉन मैटिक, दैट सीम्स वेरी ब्राइट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है एंड बुल रन में आती है तो पॉलीगॉन मैटिक इज वन क्रिप्टो जो कि काफी अच्छा कर सकता है, बिकॉज ऑल दी डेवलपमेंट, जो जो चीजें उन्होंने करी है ड्यूरिंग दिस बियर मार्केट, वो कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग है। लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ZKEVM इतनी जल्दी आने का, वही बताया जा रहा है। अगर इथीरियम जो है वो वर्क करता हूँ ZKEVM, ऑब्वियसली उसको टाइम लगता है, कोई भी क्रिप्टो काम करता तो उसको टाइम लगता। पॉलीगॉन मैटिक हैज डन दैट वेरी सून, बहुत जल्दी उन्होंने ये करके सामने रख दिया। एंड कहीं ना कहीं ZKEVM जो है वो हेल्प करेगा इथीरियम को आफ्टर द ईथ मर्ज। क्या स्टोरी वो होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज अभी उसमें बहुत सारी चीजें देखना बाकी। ईथ मर्ज हो पाता है, नहीं हो पाता, होता है कितना उसका प्राइस पॉइंट ऊपर जाता है, क्या क्या चीजें उसमें निकल के सामने आती है। बट मैटिक का बड़ा क्लियर है, उन्होंने फेज टू डिसाइड कर दिया 22 में, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम लोग क्या क्या करेंगे वो ऑलरेडी वो शेयर कर चुके। उस आर्टिकल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड उसमें बड़े क्लियरली ये मेंशन करा गया है कि दे वांट द डैप्स टू कम इन एंड यूज द ब्लॉकचेन ऑफ पॉलीगॉन, विच कैन बी अमेजिंग फॉर पॉलीगॉन। फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट नजर आता है पॉलीगॉन मैटिक का, ये सारी न्यूज पढ़ के। एंड इसी के साथ साथ शिबा के बारे में हमने काफी टाइम से बात नहीं करी थी, शिबा की काफी न्यूज निकल के सामने आ रही है। करेंटली प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो करेंटली डाउन है 0.8% एंड अपने ऑल टाइम हाई से ये डाउन चल रहा है 85.5%, काफी डाउन है। वेयर एन अदर क्रिप्टोज आर रिकवरिंग, वेयर एन अदर क्रिप्टोज आर गोइंग अप, शिबा जो है वो कहीं ना कहीं साइड में मूवमेंट करता चल रहा है। वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम शिबा, बट यस उसी हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी कम्युनिटी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कम्युनिटी में काफी मेंबर्स हैं जो एड ऑन हुए हैं। अगर हम वॉलेट की बात करें जिसमें शिबा है, आज की डेट में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए, काफी ज्यादा जल्दी वो इंक्रीज हो रहे हैं। एंड द मेन रीजन इज द प्राइस, जैसे कि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, टॉप 20 में अगर कोई क्रिप्टो है, कोई अगर इन्वेस्टर आता है, नया इन्वेस्टर आता है, वो देखता है शिबा का प्राइस इतना कम है, वेर इन ही कंपेयर्स दी अदर क्रिप्टोज, तो कहीं ना कहीं उसका मन करता है कि यार थोड़ा सा हम शिबा परचेज कर लेते हैं, चाहे थोड़े अमाउंट का बट शिबा परचेज कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं नाम भी सुना होता है, प्लस दी प्राइस पॉइंट इज सो अट्रैक्टिव कि वो उससे रहा नहीं जाता। अब बात करते हैं और क्या क्या चीजें शिबा करने वाला है। फ्यूचर की बातें करी थी शिबा ने, शिबा ने बोला था कि काफी चीजें हम करेंगे, क्या क्या शिबा करने वाला है फ्यूचर में उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो शिबा जो है वो तीन चार चीजों में करेंटली काम कर रहा है। ऑब्वियसली शिबावर्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं, शिबा द मेटावर्स के ऊपर भी काम कर रहा है, शिबा इनू गेम्स भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं जिसकी बातें सुनने को अब मिल रही है इन सोशल मीडिया। क्या गेम्स है, क्या होगा उनमें अभी कुछ नहीं पता, बट यह सुनने में आ रहा है कि उसमें काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ शिबा स्वैप जो लेकर आया था लास्ट ईयर, उसी का नेक्स्ट वर्जन सामने हमें दिख सकता है शिबा 2.0 के नाम से। एंड प्लस जो लास्ट चीज में शिबा काम कर रहा है, दैट इज शिबा नेट। अब इन चीजों में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इनकी डिटेल में हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम किसी और वीडियो में। बट यस, ये सुन के अच्छा लगता है कि एक मीम टोकन जो लॉन्च हुआ था विच बिकेम द क्राउड फेवरेट, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव है, कहीं ना कहीं आगे के लिए काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड इट इज नॉट जस्ट लाइंग डाउन कि आप लोग मुझे ग्रो करो,
वो उसके साथ साथ लोगों को कुछ चीजें दे रहा है साथ में, विच इज हेल्पिंग द कम्युनिटी टू ग्रो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ज़ेप्पे में जब भी हम कोई क्रिप्टो परचेज करने जाते हैं तो वहां पे प्राइस जो है किसी भी क्रिप्टो का बहुत ज्यादा दिखाई देता है, व्हेन यू कंपेयर दैट प्राइस विद प्रॉब्ली कॉइन गीको या सीएमसी या बायनान्स किसी और यू नो पोर्टल से अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत ज्यादा वहां पे आपको प्राइस देखने को मिलता है। यस इट इज ट्रू, एंड ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी, वी मेड अ इंडिविजुअल वीडियो रिगार्डिंग दिस, क्योंकि काफी ऐसी चीजें थी जो हम भी समझाना चाह रहे थे। यस इट इज ट्रू कि नॉट ओनली ज़ेप्पे बट जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस आपको मिलेंगे जो आपको बैंक ट्रांसफर करने को अलाउ करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ द क्रिप्टो इज हायर। जब आप बायनान्स में आते हो या आप किसी और एक्सचेंज में आते हो इंटरनेशनल एक्सचेंज, वहां पे जब आप पी टू पी के थ्रू मंगाते हो तो कहीं ना कहीं वो प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेलिंग, अगर हमारे पास बायनान्स में कोई क्रिप्टो है एंड हमें एक एक्स अमाउंट वहां पे दिखाई दे रहा है, अगर वो हम ट्रांसफर करके हम उसको सेल ऑफ करें फ्रॉम इंडियन एक्सचेंज तो हमारे पास पैसे भी ज्यादा आते हैं। यू आर बाइंग एट हाई, यू आर सेलिंग एट हाई, दोनों चीजें ऊपर है एज यू कंपेयर टू बायनान्स। बायनान्स में एक प्राइस पॉइंट रहता है कि ये प्राइस पॉइंट है, इसी में आप परचेज करो, इसी में आप सेल करो। ज़ेप्पे या किसी भी इंडियन एक्सचेंज में आपको वो थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देता है, एंड वो उसका हम वीडियो डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो पूरा चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज ये इशू पहले भी सामने आया है। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। व्हाट डू यू बिलीव नेक्स्ट वीक कैसा होगा फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, क्या मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट कंटिन्यू करेगी, ये बोल रहा है छोटा सही बट यस एक रिलीफ रैली जो हमें दिखाई दे रही है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा इन दी नेक्स्ट वीक, आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विद दैट सेड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।